हेलो भाई लोग आगे निकलो के साथ। और भाई थंबनेल और टाइटल देख के तुम समझ गए होगे भाई आज के वीडियो में क्या मुद्दा है अपना। सो अपने सामने भाई ये देख सकते हो न्यू अपडेट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। और जो मेरे को नहीं जानते, मैं प्रॉपर एक मोटो व्लॉगर हूँ और मेरे पास NS 200 है, BS 6 Phase 2। सो मैं उसके बारे में ज़्यादा करके मैं मोटिवेशन का वीडियो बना देता हूँ। सो भाई वीडियो के एंड में मेरी NS जरूर दिखाऊंगा। और भाई अभी जो अपना टॉपिक है, अपने टॉपिक पर आते हैं भाई, तो अपनी न्यू N160 में भाई क्या क्या अपडेट आए वो पूरा शेयर करता हूँ। और वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोग को समझे भाई एक्चुअल में अभी लेना वर्थ है कि नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देखो, आपकी अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। सो करते वीडियो स्टार्ट। तो भाई लोग ये है अपनी नई N160। और भाई ये है गोडाउन जहाँ पे सारी बाइक्स भाई देख सकते हो, सारी बजाज के वहाँ पर NS 120 भाई अभी दिख रही है। और अभी फिलहाल सारी गाड़ियाँ उतार रहा है मेरा दोस्त, वो यहाँ पे जॉब करता है, ठीक है। सो भाई ये जो N160 है इसमें भाई एक्चुअली क्या, अगर मैं बार बार NS बोल रहा हूँ, मेरे को आदत सी हो गई NS के नाम लेने की, ठीक है। सो उस पर ध्यान मत दो। और भाई N160 में अभी सबसे खास अपडेट वो है भाई इसके मीटर में। भाई ये मीटर ही भाई जो मतलब अलग ही कर दिया है, नया मीटर है, बहुत सारे चेंजेस है इसमें। सो देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले आओ तो भाई इसमें मिलता है अपने को डुअल चैनल ABS, बाकी रिम साइज वगैरह वो सब मेरे को मालूम। आप लोग N160 अगर देखने आओगे तो इतना तो नॉलेज आपको मालूम होगा भाई बाइक में क्या क्या है सर के। तो डुअल चैनल ABS और अच्छे खासे टाइप, बड़े बड़े टायर, इसका लुक वगैरह तो आपको मालूम ही है। फ्रंट का लुक देख सकते हो क्या दिख रही है। और काश ऐसा ही अपडेट भाई कुछ NS 200 में भी आ जाए ऐसा मीटर वाला अपडेट। बाकी सब क्या, वही डुअल चैनल ABS, मोनोशॉक और सब मालूम ही है आपको। यार मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये N160 और इसमें स्प्लिट सीट भाई, ये मैंने पहली बार देखा। इन्होंने सीट के ऊपर भी भाई मस्त स्टिकरिंग नहीं बोलो, 3D लोगो टाइप इन्होंने सीट कवर में बना के रखा है। और ये है भाई E20 मॉडल, मतलब E20 तो अभी भाई लागू ही हो चुका है। और यहाँ पर मिलता है अपने को एक चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर अपने स्विचेस पे, तो यहाँ पर मिलता है अपने को अपसाइड भाई हाई बीम, और जो डाउन साइड अपने को तो लो बीम पे ऑलरेडी रहेगा। और यहाँ पर अपने को फिर हाई बीम मतलब पासिंग लाइट बोल सकते हो, पासिंग लाइट ऐसे दे सकते हैं। ये एक नया सा बटन आया है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। ये इंडिकेटर और हॉर्न और इग्निशन और ये क्या, ये अपना DRL का है। और यहाँ पर स्टार्टर, बाकी यहाँ पर और कुछ चेंजेस नहीं हुए बाइक में। बाइक की बाइक जैसी थी वैसी ही है, कुछ फर्क नहीं है। और मेन चेंजेस के बारे में भाई वो है अपना स्पीडोमीटर। सो इसको चालू करके भाई दिखाता हूँ क्या चेंजेस है, ठीक है। सो ये है भाई न्यू N160 का स्पीडोमीटर, और बहुत तगड़ा दिख रहा है भाई, बहुत तगड़ा, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और यहाँ पर पास लाइट है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। पास लाइट यहाँ पे मिलेगा, इंडिकेटर इस साइड भी मिलेगा, इंडिकेटर का दूसरे साइड, ठीक है, डिस्प्ले का दूसरे साइड यहाँ पर इंडिकेटर का मिलेगा। उसके नीचे भाई ABS का है, उसके नीचे भाई ये इंजन चेक लाइट। और यहाँ पर बात करो तो ये जो हाई बीम है और ये न्यूट्रल। सो या ऑल ओवर भाई आउटसाइड का मैंने बता दिया भाई, अब आते हैं डिस्प्ले के इनसाइड में। तो इनसाइड में अपने को मिलता है यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे मिलता है टाइम, ये है भाई RPM मीटर जो 12,000 RPM तक दिखाता है, पर आता है 9,000 RPM तक। What? 9 से 10,000 के RPM बीच के में आता है। यहाँ पर भाई फ्यूल इंडिकेटर, और भाई यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस है मेरे हिसाब से। ABS कंट्रोल या फ्यूल वो कुछ तो लिख के आ रहा है, उसके बारे में करते हैं बात। यहाँ पर मिलता है अपने को ओडोमीटर, यहाँ पर मिलता है ट्रिप बी, और इसको चेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस बटन से, ठीक है। सो ये बटन दबाते हैं, ओके। सो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर है भाई जैसे ट्रिप पे आ गए आप, सो ये बटन जैसे मैंने दबाया था तो ट्रिप पे आ चुका है। यहाँ बीच में मिलता है अपने को मेन स्पीडोमीटर जो अपने को स्पीड बताता है, ठीक है। और अब आते हैं भाई बटन दबाने से क्या क्या फ़ायदा है, मतलब बटन दबाने का क्या क्या यूज़ है। सो यहाँ पर मिलता है अपने को एफिशिएंट फ्यूल इकोनॉमी, बोले तो अपना गाड़ी कितने माइलेज दे रही है अभी, ठीक है, वो ट्रिप पे की थी, ट्रिप भी की है। फिर से दबा के देखते हैं भाई, एंटर वार्निंग सेटिंग। सो इसमें होल्ड करके रखेंगे सो वार्निंग सेटिंग ओपन होगी। सो इसमें अपने को वार्निंग अभी मिल रही है ABS का एरर है करके। सो ABS इसमें अभी चालू नहीं है क्योंकि अभी नई बाइक है भाई, इसमें अभी कुछ कनेक्शन नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे ऑडोमीटर में इसका कितनी चली है वो दिखा देता, ठीक है। और भाई क्या है, फ्यूल का है, क्योंकि भाई अभी तो नई गाड़ी है, फ्यूल तो डला होगा नहीं। सो फ्यूल का एक है, फ्यूल का और कुछ बस वही है दोनों, ठीक है। एग्जिट करने के लिए फिर से होल्ड करना है, यहाँ पे हो जाएंगे एग्जिट, देख लो।
फिर दाबेंगे तो एंट्री सेटिंग में भी है कुछ तो ऑप्शन, सो एंट्री सेटिंग दाबते हैं और भाई यहाँ पर मिलता है ब्लूटूथ, ये देख सकते हो ब्लू, और भाई यहाँ पर मिलता है सेटअप क्लॉक, यहाँ पर अपने को सेटिंग एग्जिट, सो फिर से होल्ड करके रखना है, फिर से एग्जिट हो जाएंगे, सो यहाँ पर हो चुके भाई एग्जिट, अब चेंज करेंगे यहाँ पे पल्सर 141, ये कुछ मतलब आप यहाँ पे नाम सेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, पल्सर 141 ऐसा कुछ करके, सॉरी ये अपना ब्लूटूथ का नेम रहेगा मेरे हिसाब से। क्या गुंडा बनेगा रे तू, जलवा है हमारा। और यहाँ पर मिलता है एफिशिएंट फ्यूल इकोनॉमी, मतलब अपना लाइव माइलेज दिखाएगा, ये लाइव माइलेज, लाइव मतलब आप बाइक चला रहे हो तो यहाँ पर दिखाएगा आपकी बाइक कितनी चल सकते हो। यहाँ पर मिलेगा डीटीई बोले तो डिस्टेंस टू एमटी, जैसे कि आपके बाइक में जितना फ्यूल है भाई उसके हिसाब से यहाँ पर डीटीई दिखाता है कि भाई आपने बाइक कितने किलोमीटर और चल सकती है। बाकी एबीएस इंजन चेकलाइट आप सबको बता ही चुका हूँ। ये है मेरी NS200 BS6 Phase 2 और भाई इसमें मॉडिफिकेशन के नाम पर भाई बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके रखे, लाइक व्हील कवर लगा के रखा है भाई, यहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट लगा चुका है भाई, इंडिकेटर्स देख सकते हो आप लोग, इंडिकेटर्स चेंज किए, ठीक है, सो टैंक पैड लगाया है और भाई मतलब बहुत सारे भाई मॉडिफिकेशंस के वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे NS200 के बारे में। अगर आप लोग मॉडिफिकेशंस का वीडियो या फिर NS200 आपके ड्रीम बाइक है सो मेरे को कमेंट करो, और भाई इसके रिलेटेड भी वीडियो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो भाई लोग अभी इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करा देता हूं भाई, सो मेरे हिसाब से भाई एग्जॉस्ट नोट सुनने के बाद जरूर मेरे चैनल पे एक बार विजिट करोगे। सो एग्जॉस्ट नोट सुनो, पूरी वाट लगा देती है, ठीक है। सो इसके बारे में अगर इस गाड़ी के बारे में देखना है भाई व्लॉग्स वगैरह या फिर एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन का वीडियो, से मेरा चैनल जरूर चेक करो, उसमें आपको पूरा वीडियो मतलब कैसे इंस्टॉल करना है लाइक पूरा प्रोसेस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं भाई मेरे ओपिनियन पे, सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से भाई अच्छा किया वैसे तो N160 में ये सारी चीज़ें ला के, और भाई मैं भाई अगर बजाज वाला कोई देख रहा है ना भाई, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता भाऊ, भाऊ बोलता हूँ मैं मराठी में बोल रहा हूँ अभी, सो एक रिक्वेस्ट करता भाई NS के लिए भी ऐसा कुछ अपडेट लाओ ताकि भाई NS वालों का भी दिल भाई भरा रहे, तो मैं N160 में बार बार ऐसे कुछ अपडेट लाते रहते हो, व्यूअर स्पीडोमीटर चेंज कर दिया था तो बहुत सारी अपडेट दे ही आए N160 बोले तो 160cc में डुअल चैनल ABS आप लोगों ने दिया था, NS में 2017 तक सिंगल चैनल भी ABS नहीं आता था, 2017 के बाद सिंगल चैनल ABS दिया, अभी डुअल चैनल ABS दिया है भाई April 2023 में, मतलब बहुत लेट अपडेट मिल रही है NS को। सो होप करता हूँ NS में भी जल्दी जल्दी ये अपडेट्स आ जाए। भाई लोग व्लॉग कैसे लगे मेरे को जरूर कमेंट करके बताओ, और भाई मैंने ट्राई किया, मेरा फर्स्ट टाइम था भाई मैंने किसी बाइक के बारे में ऐसे डिटेल्स दिए, सो भाई होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, सो कैसे समझाए मेरे को जरूर कमेंट करना, और मेरे व्लॉग चैनल मतलब मेरा चैनल विजिट करो, आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन के वीडियो मिल जाएंगे, लाइक NS200 के बारे में ज़्यादा करके मिलेंगे क्योंकि भाई प्रॉपर NS200 लवर हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भाई ड्रैग रेस आने वाली है NS200 व्हाइट वर्सेस ब्लैक, ठीक है, जिसको भी NS200 व्हाइट वर्सेस ब्लैक देखनी है भाई मेरे को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।